टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा के हॉकर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पीएम आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के तहत हॉकर्स को अपना कारोबार व्यापार फिर से शुरू करने के लिए 10,000 रुपये लोन दिया जा रहा है। एमआईएम पार्टी के नगर सेवक शाह आलम ने जानकारी दी है कि योजना के तहत 2 और 3 सितंबर को मुंब्रा के आइडियल मार्केट में कैंप लगेगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दरमियान हॉकर्स काफ़ी परेशान हुए और इनका जो कारोबार है वो बंद हो गया है और इसी को दोबारा शुरू करने के लिए इन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। हॉकर्स को योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड और मनपा द्वारा जो रसीद हॉकर्स को दी जाती है वो लाना जरूरी है। पैसे इनके बैंक अकाउंट में आएंगे और इन्हें हर महीने 812 रुपये भरना होगा। अगर आप डिजिटल पेमेंट करेंगे तो आपको 1200 रुपये कैश बैक भी मिलेगा। 2 और 3 सितंबर को सुबह 11 बजे मुंब्रा के आइडियल मार्केट में कैंप लगाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बजट आया हुआ है, हर हॉकर्स को 10,000 रुपया दिया जा रहा है जिनको कारोबार करने के लिए। ये 10,000 रुपये उस तरीके से है कि इनके पास जो टीएमसी के अंदर पावती आती थी, हॉकर जो वो करते थे पावती का, उसके ऊपर से इनको दिया जाएगा। उनका आधार कार्ड, उनका बैंक अकाउंट, इसके ऊपर डायरेक्ट इनके अकाउंट में ये पैसा जाएगा और हर महीना जिसको जिसको ये पैसा दिया जाएगा वो हर मेंबर महीने का 812 रुपया वापस देना है। और अगर इन लोगों ने जो हॉकर्स हमारे हैं, अगर तमाम हॉकर्स इसको कैश पे करेंगे तो लास्ट की जो उनकी लास्ट किस्त जो रहेगी उसमें से इनको 1200 रुपया वापस दिया जाएगा, इनको वापस मिलेगा 1200 रुपया। तो मैं तमाम उमरा कौशा के अच्छा डिजिटल डिजिटल भारत के तहत जो अपना पे करेंगे, जो पे करी जाएगी उसमें इनको 1200 रुपया कैशबैक मिलेगा वापस से। तो मैं तमाम उमरा कौशा के हॉकर से ये अपील करता हूँ कि आप लोग अपने अपने पेपर्स या जो आप पावती भरते थे म्युनिसिपल्टी को वो लेके मेरे अभी कल हमारा 11 बजे लगेगा आइडियल मार्केट के अंदर शॉप नंबर 25 के अंदर। ये 2 दिन का कैंप है मेरा, कल और परसों का। तो तमाम हॉकर से मैं ये कितने बजे से कितने सुबह 11 बजे से 3 बजे तक का रहेगा, 3 या 5 जैसी पब्लिक रहेगी उस हिसाब से टाइम का कोई वो नहीं है, 2 दिन का रहेगा ये। कल तमाम अधिकारी वहाँ आने वाले हैं। तो मैं इन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि तुम लोग आप लोग जितने हैं अपने अपने पेपर्स, अपने बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर और इलेक्शन आईडी ये सब लेके आए और वहाँ आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा। उसी के माध्यम से आप लोग को जिस दिन वो सब पेपर ओके कंप्लीट हो जाएगा तो इनके अकाउंट में वो पैसा डायरेक्ट इनके अकाउंट में ही जाएगा।